नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। आज अहमदनगर में अपनी पार्टी की सभा में डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि महायुति सरकार ने विगत 1 जुलाई से लाडली बहन योजना शुरू की है, जिसे तुरंत प्रभाव से अमल में भी लाया जा रहा है, परंतु अब तक कई महिलाओं द्वारा आवेदन नहीं भरे जा सके हैं। ऐसे में उन महिलाओं के मन में आशंका है कि उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा अथवा नहीं, लेकिन सभी महिलाओं ने आश्वस्त रहना चाहिए कि उन्हें जुलाई व अगस्त ऐसे दोनों महीनों के पैसे एक साथ मिलेंगे और अगले महीने रक्षाबंधन वाले दिन महिलाओं के खाते में जुलाई व अगस्त माह के अनुदान को मिलाकर 3,000 रुपए जमा कराने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से अमरावती सहित जिले में रिमझिम बारिश शुरू है। बरुड और मोर्शी तहसील को छोड़कर अन्य तहसीलों में यह बारिश हो रही है। इस बारिश से अमरावती तहसील के ब्राह्मणवाड़ा भगत ग्राम का एक 60 वर्षीय व्यक्ति पेड़ी नदी में बह गया था। इस व्यक्ति का शव रविवार को 6 किलोमीटर दूरी पर बरामद हुआ है। सोमवार को सुबह हुई बारिश के कारण खामगांव रेलवे शहर के तिलक चौक निवासी दिलीप सुल्ताने की घर की दीवार ढहने से एक महिला और 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिन तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है और जिले में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। अमरावती जिले के सभी 14 तालुका में 2 दिनों से चल रही बारिश के कारण जून के बाद आधा जुलाई तक रहा औसत बारिश का घाटा कुछ मात्र कम हुआ है। जिले में रविवार की बारिश की पश्चात जारी आंकड़ों के अनुसार 300 मिमी बारिश हो गई है। हमेशा की तरह धारनी और चिकलदरा तहसील भी अव्वल है। जिला राजस्व कर्मचारी संगठन द्वारा राज्यव्यापी हड़ताल में सहभागी होने का सतत 8वां दिन रहने पर भी जोश कायम रहने का दावा संगठन पदाधिकारियों ने किया। अध्यक्ष ब्रजेश वस्तानी ने अमरावती मंडल से बातचीत में दावा किया कि जिले में 662 कर्मचारी आज भी हड़ताल में सहभागी है, जिसके कारण राजस्व विभाग का 80% काम ठप्प पड़ा है। पटवारी भले ही खेती बाड़ी के नुकसान का पंचनामा कर चुके हैं, लेकिन उसे फाइनल करने और उच्चाधिकारियों तक आगे बढ़ाने का काम कर्मचारी ही करते हैं, वह काम ठप्प है। सिंध हिंद के सरताज अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की चतुर्थ ज्योत के रूप में गद्दी नशीन संत साई राजेश लाल साहिब कंवर के जन्म दिवस अवसर पर आज उन्हें शुभकामनाएं देने व उनका आशीर्वाद प्राप्त करने बांदकेड़ा रोड पर जरवार स्थित संत कंवर धाम में पूरे दिन भर श्रद्धालु व भाविकों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर प्रतिदिन अखबार के संपादक नानक आहूजा और अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल भी साई श्री के जन्मदिन की बधाई देने व उनका आशीर्वाद प्राप्त करने कंवर धाम पहुंचे। इस समय साईं राजेश लाल साहिब ने शहर के दोनों वरिष्ठ संपादकों को पुष्प गुच्छ देकर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। वही इस समय संत कंवरधाम ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष रहने वाले संपादक नानक आहूजा ने अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल का कंवरधाम में स्नेहिल स्वागत करते हुए उन्हें पूरे परिसर से अवगत करवाया तथा कंवरधाम में चल रहे विभिन्न कार्य एवं उपक्रमों की जानकारी देने के साथ ही हाल ही में मुंबई से अमरावती लाए गए अमर शहीद संत कंवरराम साहिब के शहीद वस्त्रों एवं पूज्य देवरी साहिब के दर्शन भी कराए। इस अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य एवं समस्त संत प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आजाद हिंद मंडल द्वारा अपनी 97 वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए गत रोज बड़े हर्षोल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया, जिसके चलते गुरुजनों के तौर पर बुजुर्गों का सम्मान करने के साथ ही खिलाड़ियों एवं मेधावी बच्चों का भावपूर्ण सत्कार किया गया। बुधवार परिसर स्थित पूर्व नगराध्यक्ष हरिभाव कलौती स्मारक सभागार में आयोजित सभी उपस्थितों ने अपने अपने गुरुजनों के साथ जुड़ी यादों को ताजा करते हुए जीवन में गुरुजनों के महत्व को प्रतिपादित किया। साथ ही सभी ने शहर में विभिन्न स्थानों पर इस तरह के आयोजन होने की जरूरत भी अपने समयोचित विचारों में प्रतिपादित की। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के जन्मदिन पर संजय खोड़के मित्र मंडल द्वारा आज सवेरे 9 बजे से रक्तदान और पौधा वितरण का भव्य कार्यक्रम बड़े ही जोशपूर्ण वातावरण में हुआ। सैकड़ों लोगों ने सहर्ष रक्तदान कर अजित पवार को जन्मदिन की बधाई दी। उस प्रकार संजय खोड़के विधायक सुलभा खोड़के, युवा नेता यश खोड़के और उपस्थित मान्यवरों के हस्ते सैकड़ों लोगों को हजारों पौधों का वितरण भी किया गया।
वगैरह गोपुल जी बोले यानी आपका प्रमाण पत्र स्वीकारा हो प्रिया छोड़के। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे ने आगामी विधानसभा चुनाव में विदर्भ में अनेक स्थानों पर उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा की। वे रविवार को यह अभियंता भवन में आयोजित मनसे कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। देशपांडे ने आरोप लगाया कि मराठा ओबीसी आरक्षण विवाद पर अपने आप को राजनीति का चाणक्य कहलाना पसंद करने वाले पवार एक भी शब्द नहीं बोल रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि विवाद के बगैर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा सकती। उन्होंने जाति के राजनीति में राज्य की जनता को अटकाने का कारस्थान शुरू रहने से आगाह किया और कहा कि हिंदू के रूप में वे एक होना अत्यंत आवश्यक है। मनसे कार्यकर्ता सम्मेलन पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए देशपांडे ने इस समय शिवसेना उबाटा नेता संजय राउत सहित अन्य की बखिया उखेड़ी। आम्ही आमच्या पक्षाची तयारी विधानसभेच्या दृष्टीने करतोय आणि ती जोरदारपणे करतोय। बऱ्याच ठिकाणचे रिपोर्ट्स घ्यायला सन्मान्य राजसाहेबांनी आम्हाला सगळ्यांना पाठवलेलं, त्याप्रमाणे रिपोर्ट झालेले आहेत। येणाऱ्या उद्या परवा सोमवार मंगळवारी सन्मान्य राजसाहेबांकडे आम्ही ते रिपोर्ट सबमिट करू, त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या कुठल्या जागा किती जागा लढवणार आहेत याचा निर्णय राजसाहेब घेतील। आणि त्याप्रमाणे आम्ही ऑलरेडी तयारीला लागलेलो आहोत। आमची लोकांच्या भेटीगाठी चालू आहे, बूथवाईज नियोजन चालू आहे आमचं आणि एकदम मायक्रो लेवलला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं काम चालू। प्रहार जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आंदोलन कर दिव्यांगों के हक पर कब्जा करने वाले लोगों और ऊंचे सरकारी ओहदे पर पहुंचने वाले लोगों के साथ साथ बोगस लोगों को प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी से लेकर चपरासी तक सभी पर तत्काल और कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। यासाठी जेही आज दिव्यांग प्रमाण पत्र जेही शासनाने बोगस बनवलेले असन त्याचा पुनर्चाचणी या लवकरात लवकर आमची मागणी आहे की कलेक्टर जिल्हाधिकारीने अमरावती जिल्ह्यात आणि मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण महाराष्ट्रात आदेश द्यावा आणि हे पूर्ण बोगस प्रमाणपत्राची चाचणी व्हावं आणि जे जे बोगस प्रमाणपत्र घेऊन नोकरीवर लागलेले आहे त्यांचा भांडाफोड हा या शासनाच्या कार्यकर्तीत आता लवकरात लवकर झाला पाहिजे, हीच आमची एक मागणी आहे प्रहारतर्फे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गजापुर विशालगढ़ हिंसा के मास्टरमाइंड और कट्टरपंथियों को तुरंत गिरफ्तार कर और दोषियों पर यूपीए की तरह कार्रवाई करते हुए एनआईए से जांच कराए जाने की मांग इंडियन मुस्लिम लीग के यूथ लीग ने जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन द्वारा की गई। शिवसेना ने आज दोपहर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के मुख्य अभियंता नितिन उपरेलू को निवेदन देकर बडनेरा विश्वासवाड़ी के लोगों को जलापूर्ति हेतु पाइपलाइन बिछाए जाने की मांग की। अभियंता उपरेलू ने इस बारे में उचित कार्यवाही का भरोसा प्रतिनिधि मंडल को दिया। मोर्शी के इमामुद्दीन काजी ने मोर्शी पुलिस पर उन पर तथा उनके सहयोगी विकास अरुण आंडे पर नाक एफआईआर दर्ज कर उन्हें कपड़े उतारकर हवालात में रखने का आरोप किया। एक पत्रकार परिषद में काजी ने आरोप लगाया कि यह घटना गत 12 जुलाई को हुई। उन्होंने एसपी विशाल आनंद से न्याय की गुहार लगाई। मोर्शी के निरीक्षक को निलंबित करने की मांग उन्होंने की। बारिश का मौसम अभी शुरू ही हुआ है और शहर में जगह जगह भारी जल जमाव के साथ ही डेंगू बीमारी के मच्छरों ने भी आतंक मचा रखा है। ऐसे में जमील कॉलोनी क्षेत्र में आने वाली मनपा उर्दू शाला के ग्राउंड में बारिश का पानी जमा होने के कारण यह तालाब का रूप ले लिया है। बच्चों को डेंगू बीमारी होने का डर पालकों को सता रहा है, जिसके कारण पालक वर्ग ने यह शिकायत शाला व्यवस्थापन समिति व मुख्याध्यापक से करने पर मुख्याध्यापक ने इस समस्या का हल निकालने की मांग मनपा शिक्षणाधिकारी से की है। शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी तथा होटल न्यू ईगल रेस्टोरेंट के संचालक बिट्टू उर्फ रविंद्र सिंह सलूजा के 57वें जन्मदिन पर रविवार को उनके रेस्टोरेंट में बधाइयां देने वाले लोगों का सुबह से तांता लगा रहा। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सुबह 9:30 बजे बिट्टू सलूजा के पिता सुरिंदर सिंह सलूजा व अनाथों के मसीहा शंकर बाबा पापलकर की उपस्थिति में रक्तदान शिविर की शुरुआत की गई। शिविर में स्विगी जोमैटो टीम सहित डीसीपी कल्पना बारावकर गुणवंत देवपारे व पुलिस कर्मचारी व अधिकारियों ने रक्तदान किया। शहर के ख्यातनाम उद्योजक व समाजसेवी तथा संकल्प शेतकरी संगठन के अध्यक्ष नितिन कदम के प्रयासों से शहर के रविनगर, महादेव कोरी, पार्वती नगर, मातोश्री रमाबाई आम्बेडकर नगर, बुद्ध विहार, खंडेलवाल लेआउट, मैत्री विहार व कैलाश नगर परिसर में 2 दिवसीय मतदाता पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका क्षेत्र के हजारों नागरिकों ने लाभ लिया।
आगामी कुछ ही माह के भीतर राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए अब सभी राजनीतिक दल चुनावी कामकाज में लग गए हैं। इसी के तहत आगामी शनिवार 27 जुलाई को शिवसेना उबाटा के पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के जन्मदिन का औचित्य साधते हुए शिवसेना उबाटा की महानगर शाखा द्वारा बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में संकल्प रैली के तहत भव्य दुपहिया रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके जरिए एक तरह से आगामी विधानसभा चुनाव हेतु इस रैली के आयोजन से बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के प्रचार का शुभारंभ होगा। आज से हिंदी भाषियों का श्रावण माह शुरू हुआ है तथा पहले दिन श्रावण सोमवार रहने से शहर के सभी शिवालयों में सावन सोमवार पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने शिव भक्तों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी, जिसके तहत अति प्राचीन रहने वाले गडगडेश्वर मंदिर में महादेव भक्तों का सुबह से ही रेला लगा रहा। चांदूर रेलवे रोड स्थित बोडना के श्री क्षेत्र तपोनेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार से सावन माह उपलक्ष विशेष पूजा अभिषेक अर्चना प्रारंभ हो गई। अगले डेढ़ माह तक यहां शिव भक्तों का रेला नित्य उमड़ेगा। आज रुद्राभिषेक के साथ बाबा का प्रातःकाल ही श्रृंगार किया गया। सावन माह का पहला दिन रहने पर भी सवेरे से ही भाविक यहाँ उमड़ने लगे थे। कौंडन्यपुर स्थित श्री रुक्मिणी पीठ में गत रोज गुरु पूर्णिमा का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। दीप प्रज्वलित कर परम पूज्य जगतगुरु स्वामी श्री राम राजेश्वर माउली सरकार का पाद्य पूजन किया गया। इस समय रुक्मिणी पीठ के अध्यक्ष सुरेश पाटिल ने अपने प्रस्तावित उद्बोधन में श्री रुक्मिणी पीठ निर्माण कार्य एवं योजना तथा उपक्रमों की जानकारी भी दी। गत रोज गुरु पूर्णिमा का औचित्य साधते हुए स्थानीय गणेश कॉलोनी परिसर में भव्य वृक्षारोपण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें परिसर के अनेक नागरिकों ने हिस्सा लेते हुए गणेश कॉलोनी परिसर में विविध प्रजातियों के पौधे लगाए। गत रोज गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में सनातन संस्था द्वारा देश भर में 77 स्थानों पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके तहत स्थानीय महावीर नगर स्थित अम्बा मंगलम में श्री गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन हुआ। स्थानीय श्री माहेश्वरी पंचायत अमरावती अंतर्गत श्री माहेश्वरी नवयुवक मंडल द्वारा इस वर्ष चाय पे चर्चा यह उपक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें इस महीने चाय पे चर्चा विषय हमेशा स्वस्थ रहने के साथ रहस्य का आयोजन किया गया। इसके लिए शहर के जाने माने युवा न्यूट्रिशनिस्ट भूपेंद्र गौड़ द्वारा हमेशा स्वस्थ रहने के साथ रहस्य पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत लालखड़ी के इमाम नगर परिसर में नागपुर गेट पुलिस स्टेशन के पथक ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर गोवंश तस्करी का मामला पकड़ा और 10 चक्का ट्रक में निर्दयता पूर्वक भरे गए 34 गोवंश जानवर बरामद किए। पश्चात पुलिस द्वारा पंचों के समक्ष की गई पड़ताल में पाया गया कि इस ट्रक में कुल 34 गोवंश जानवरों को पांव व गर्दन को रस्सी के जरिए निर्दयता पूर्वक बांधकर लादा गया था, जिसके चलते कई जानवरों के शरीर पर जख्म व चोट लग गई थी और वे अशक्त होकर गिर पड़े थे, जिसमें दो जानवरों की मौत भी हो चुकी थी। ऐसे में पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेते हुए 32 गोवंशीय जानवरों को संरक्षण और पोषण के लिए गोरक्षण संस्था के सुपुर्द किया। छापे की इस कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक व जानवरों का मालिक मौके से फरार हो गया। ऐसे में ट्रक चालक को गोवंश के मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए उनकी तलाश करनी शुरू की गई है। शनिवार की देर रात 2 बजे के दौरान शिंदे सेना के बडनेरा और तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के जिला प्रमुख अरुण पडोले व उनके 20 से 25 साथियों द्वारा जिला प्रमुख गोपाल अरबट पाटिल पर हमले का प्रयास किया गया। इस हमले में गोपाल अरबट पाटिल ने दरियापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर मामले की जाँच जारी है। राजापुर थाना क्षेत्र के केडिया नगर मनपा उद्यान के पास गुरुवार की देर रात घटित रोहित मांडले हत्याकांड में फरार 4 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में राजापुर पुलिस को सफलता मिली है। अन्य 2 फरार आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। गिरफ्तार इन 2 आरोपियों को कल अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पकड़े गए आरोपियों के नाम समीर डोंगरे और दादू जांबुलकर बताए गए है। अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे यवतमाल जिले के 55 वर्षीय कैदी की नागपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस कैदी की तबीयत बिगड़ने से अमरावती सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से नागपुर रेफर किया गया था। मृतक कैदी का नाम यवतमाल जिले की घाटंजी तहसील में आने वाले तिवसाला ग्राम निवासी भगवान नत्थू श्रीरामे है। चोरी के ट्रक के 46 नंबर बदलकर उसकी बिक्री करने के मामले में नई मुंबई पुलिस ने अमरावती और नागपुर आरटीओ कार्यालय के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में फिलहाल आरोप पत्र दाखिल करने पर मुंबई हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस निर्णय से अमरावती सहित नागपुर के आरटीओ अधिकारियों को राहत मिली है। देश की राजधानी दिल्ली के एनसीएमईसी केंद्र के अमरावती पुलिस आयुक्त कार्यालय को भेजी एक रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इसमें बताया गया कि अमरावती शहर के एक आईपी एड्रेस से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 4 बच्चों के अश्लील वीडियो अपलोड किए गए हैं। इस आधार पर साइबर पुलिस ने अलग अलग मामले दर्ज किए हैं।
गाड़गे नगर थाना क्षेत्र के दत्त विहार कॉलोनी में अपनी सहेली के साथ पैदल जा रही महिला के गले से 7 ग्राम सोने का मंगलसूत्र झपटकर चेन स्नैचर अपने साथी के साथ भागा रहने की घटना रविवार के वो शाम में घटित हुई। विधि संघर्षित किशोर द्वारा 7 घरों में सेन लगाने का मामला पुलिस की अपराध शाखा यूनिट 1 ने उजागर किया। आरोपी की निशानदेही पर माल रिकवर करने का काम शुरू है। एक मामले में 48 घंटे में आरोपी का पता लगाया गया। इस प्रकरण में माधव नगर के अनिरुद्ध जोशी के घर 7 लाख का माल पार कर दिया गया था। नांदगांवपेट थाना क्षेत्र के वृंदावन पार्क में शातिर चोरों ने एक ही रात 5 मकानों को निशाना बनाया। इसमें से 3 मकानों से उन्होंने सोने के आभूषण, रुपया और नगद राशि सहित 1000 रुपए का माल चुरा लिया। नांदगांवपेट पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर तलाश आरोपियों की शुरू की है। मंजूर बिल के निधि के वितरण का आदेश निकालने का प्रस्ताव वरिष्ठों को भेजने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले समाज कल्याण के सहायक लेखाधिकारी को 7,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी के दल ने रंगे हाथ पकड़ लिया। पकड़े गए सहायक लेखाधिकारी का नाम राजेश गुलाबचंद रायकर बताया गया है। दरियापुर शहर में चोरी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। शनिवार की देर रात बनोसा और बस डिपो चौक पर देशी शराब की दुकान और 2 सरापा दुकानों में सेंध लगाकर शातिर चोरों ने 80,000 रुपए का माल चुरा लिया। घटना को अंजाम देते समय 4 से 5 शातिर चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं।